Good morning, SGTB students. I am Prabhjot Kaur, your class teacher. Students, yesterday we were discussing chapter number 6. Today we continue it. Open your books and read with me. Let's start. First aid. वी शुड बी कॉशियस टू अवॉइड एक्सीडेंट्स बट एट टाइम्स एक्सीडेंट्स डू हैपन इन सच केसेज इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग पैनिक वी शुड रेंडर हेल्प बिफोर द पर्सन इज टेक टू द हॉस्पिटल एंड अटेंडेड बाई अ डॉक्टर द इमीडिएट हेल्प गिवन टू ए इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड इसमें क्या कहा गया कि हमें एक्सीडेंट से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए अगर फिर भी एक्सीडेंट होते हैं तो घबराने के बजाय हमें उसकी तुरंत मदद करनी चाहिए जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है, इससे पहले कि उसे हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले जाया जाए हमें उसकी तुरंत हेल्प करनी चाहिए जो हमसे हो सकती है यही जो तुरंत की जाने वाली हेल्प उपचार उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर बर्न्स जैसे हम घर पर कभी फायर या गैस का इस्तेमाल करते हुए जल जाते हैं तब तुरंत किया जाने वाला ट्रीटमेंट क्या होता है फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। बर्न्स माइनर कैन बी ट्रीटेड एट होम रन कोल्ड वाटर ऑन द बंट एरिया अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन ऑन द एरिया यू कैन ऑल्सो अप्लाई सम कोकोनट ऑयल इफ द बर्न इज सर्व एंड ब्लिस्टर्स आर फॉर्म देन डो नॉट प्रिक ब्लिस्टर टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर आफ्टर क्लीनिंग द एरिया विथ कोल्ड वाटर एंड पुट सम स्टरलाइज गोज इसमें क्या कहा गया है कि जले हुए हिस्से पर आप ठंडा पानी डाल दो तो जलन भी ठीक हो जाएगी जो भी जगह जल गई है उस पर आप क्रीम या नारियल तेल भी लगा सकते हैं अगर कोई घटना बड़ी हो गई है यदि कोई ज्यादा ही जल गया है और छाले हो गए हैं तो उसे फोड़ना नहीं चाहिए उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए और जिस एरिया पर बर्न हुआ है वहां पे पट्टी बांधनी चाहिए नेक्स्ट है फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स कि जब हमारे बोन्स में क्रैक आ जाता है उसे फ्रैक्चर कहते हैं उसे तुरंत हेल्प की जाए उसे फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर कहते हैं अ फ्रैक्चर इज कॉज वेन देर इज ए क्रैक Or a break in the bone of our body. When a person falls down and if there is a fracture, usually the limb gets swollen and there is a lot of pain. Do not panic. In case of a fracture, provide a sling and take the patient to an orthopedist, a doctor of bones and मसल्स इसमें क्या कह रहे हैं कि वही है जब हमारी हड्डियों में क्रैक आ जाता है टूट जाती हैं उसे कहते हैं फ्रैक्चर जब कोई व्यक्ति गिर जाता है और उसे फ्रैक्चर हो जाता है तो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं जो लिम्स हैं वो सूज जाते हैं और सूजन आ जाती है वहां वह बहुत ही ज़्यादा पेन फील करता है तो हमें घबराना नहीं है उसे तुरंत ही स्लिंग का इस्तेमाल करके उसे डॉक्टर के पास या ऑर्थोपैडिस्ट के पास ले जाना चाहिए औरथोपैडिस्ट क्या होते हैं हड्डियों के डॉक्टर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रीड केयरफुली थैंक यू